आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर बैठक खत्म हो चुकी है। जी हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर जो बैठक चल रही थी वो फिलहाल के लिए खत्म हो चुकी है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे हैं। तो बता दें आपको, यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने को लेकर इसमें चर्चा की गई है। कई और मुद्दे भी रहे बैठक के बाद। बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षण संस्थान देश की उन्नति में सहयोग कर रहे हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा के कॉलेज भी हो रिफर्केशन। सभी विषय चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी हमने आपस में दोबारा दूसरी मीटिंग करने के लिए 5 तारीख सवेरे 10 बजे का समय तय किया है। एक बार फिर बैठेंगे और बैठ करके मुझे आशा है कोई ना कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण जैसे बात हुई, कोई अच्छा निर्णय निकले। दोनों जगह के मुद्दे उठे हैं, लेकिन मैंने बताया ये विषय आपस में सौहार्दपूर्ण बातचीत करके करने के बाद मुझे लगता है कोई ना कोई एक अच्छा परिणाम निकलेगा। 5 तारीख में हम लोग और दोबारा से बैठेंगे और हमारे जो प्रशासक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर पंजाब, उनकी अध्यक्षता में सर क्या पंजाब एक एजुकेशन का विषय होता है और पंजाब का कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो कोई बंटवारा उसमें से कुछ किया जा रहा है। मेयरली तो एक एफिलिएशन का है सारे देश में, बल्कि दुनिया में भी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एफिलिएशन करने के लिए अपने आप को ओपन कर रही हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका भी एक अगर हम देखा जाए तो सीक्रेट ये है कि देश में एक इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के नाते से यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जाए। अगर कल को कोई सुझाव आता है, हम भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी तो कोई मांग करेगा ओपन करने के लिए तैयार रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप यहाँ पर सुन रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर आज ये बैठक हुई जो कि अब फिलहाल खत्म हो चुकी है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी संबंधी ग्रांट मामले पर आज पंजाब गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित, पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच ये बैठक हुई है और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी के सुचारू रूप से संचालन के लिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा था और इस बार हरियाणा के कई कॉलेजों को भी पंजाब यूनिवर्सिटी से मान्यता मिल सकती है, ऐसी अभी संभावना जो जताई जा रही है। सीएम हरियाणा मनोहर लाल बैठक में शामिल रहे, लेकिन आपको बता दें कि हालांकि आज ये जो बैठक हुई है दोनों प्रदेशों की ओर से पंजाब यूनिवर्सिटी को मिलने वाली ग्रांट के संबंध में विस्तृत चर्चा यहां पर की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने हरियाणा के कई कॉलेजों को मान्यता मिलने के बाद हरियाणा द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी को करीब 40% ग्रांट की चर्चा जो है वो यहाँ पर की गई है। तो बता दें कि बीते 3 दशकों से अधिक समय से पंजाब यूनिवर्सिटी को पंजाब सरकार द्वारा ही ग्रांट जारी की जाती रही है, जबकि साल 1990 तक हरियाणा सरकार द्वारा भी 40% ग्रांट दी जाती रही है। इसके पीछे कई प्रकार के राजनीतिक कारण भी रहे, लेकिन हरियाणा से ग्रांट बंद होने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के संचालन के लिए केंद्र सरकार और पंजाब सरकार द्वारा ही ग्रांट दी जाती रही है। इससे पंजाब यूनिवर्सिटी की आर्थिक भी जो कमजोर होती गई, यदि अब दोबारा हरियाणा सरकार से इससे पंजाब यूनिवर्सिटी की आर्थिक यहाँ पर कमजोर होती गई, यदि अब दोबारा हरियाणा सरकार से ग्रांट देनी शुरू की जाती है तो पंजाब यूनिवर्सिटी को आर्थिक तौर पर भी काफी ज्यादा मजबूती यहाँ पर मिलती दिख सकती है। तो 5 जून को सभी पक्षकारों की एक बार फिर से बैठक होगी। बता दें पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर आज जो बैठक हो रही थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। हरियाणा पंजाब के सीएम बैठक में मौजूद रही हैं। बड़ी खबर, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी शामिल हुए इस बैठक में। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने पर चर्चा जो है वो यहाँ पर की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक के बाद बोले सीएम मनोहर लाल, सभी विषय चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी हमने आपस में दोबारा दूसरी मीटिंग करने के लिए 5 तारीख सवेरे 10 बजे का समय तय किया है। एक बार फिर बैठेंगे और बैठ करके मुझे आशा है कोई ना कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण जैसे बात हुई कोई अच्छा निर्णय निकले। दोनों जगह के मुद्दे उठे हैं, लेकिन मैंने बताया ये विषय आपस में सौहार्दपूर्ण बातचीत करके करने के बाद मुझे लगता है कोई ना कोई एक अच्छा परिणाम निकलेगा। 5 तारीख में हम लोग और दोबारा से बैठेंगे और हमारे जो प्रशासक चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर पंजाब, उनकी अध्यक्षता में सर क्या पंजाब एक एजुकेशन का विषय होता है और पंजाब का कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो कोई बंटवारा है उसमें से कुछ किया जा रहा है। मेयरली तो एक एफिलिएशन का है सारे देश में, बल्कि दुनिया में भी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एफिलिएशन करने के लिए अपने आप को ओपन कर रही हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका भी एक अगर हम देखा जाए तो सीक्रेट ये है
कि देश में एक इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के नाते से यूनिवर्सिटीज को ओपन किया जाए। अगर कल को कोई सुझाव आता है, हम भी हरियाणा की यूनिवर्सिटीज को कोई मांग करेगा ओपन करने के लिए तैयार रहेंगे। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आपने यहाँ पर सुना। फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे को लेकर ये बैठक फिलहाल चल रही थी। यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने पर भी चर्चा की गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आपने यहाँ पर सुना। शिक्षण संस्थान देश की उन्नति में सहयोग करें, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा के कॉलेज भी एफिलिएशन किए जाए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने समय मांगा है, तो 5 जून को सभी पक्षकारों की दोबारा बैठक होगी, यानी एक बार फिर से बैठक का दौर चलेगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर जो चर्चा है, वो बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा पंजाब के सीएम बैठक में मौजूद रहे। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी को ग्रांट देने पर चर्चा हुई। यूनिवर्सिटी को ग्रांट समेत कई और मुद्दों को लेकर जो चर्चा है वो इस बैठक में हुई। तो बड़ी खबर आपको यहाँ पर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा के कॉलेज भी एफिलिएशन हो, इस बात का जिक्र। फिलहाल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने समय मांगा है। 5 जून को सभी पक्षकारों के दोबारा से बैठक जो है वो यहाँ पर की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है। हरियाणा पंजाब के सीएम बैठक में मौजूद रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित भी शामिल हुए हैं इस बैठक में। तो बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता रहे। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो बैठक के बाद बोले सीएम मनोहर लाल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षण संस्थान देश की उन्नति में सहयोग करें, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा के कॉलेज भी एफिलिएशन हो, तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने समय मांगा है।